और क्या हाल है सबके। मीम्स तो हम सब हर कोई देखते रहता है, तो इंडियन मीम्स तो बहुत सारे कंपाइलेशंस हैं ऑनलाइन जो मैंने देखे हैं। यूजुअली जब भी कोई मैं बोर हो रहा होता हूँ तो मीम्स कंपाइलेशन आर ऑलवेज माई टू गो ऑनेस्टली। बट लेट्स टेक अ लुक एट द पाकिस्तानी मीम्स कंपाइलेशन। मेरे को एक दो मीम्स के बारे में पता है जो लास्ट ईयर जो काफ़ी पॉपुलर था। गवर्नमेंट वाली आंटी काफ़ी पॉपुलर थी। देखते हैं कि ये मीम वाले भी बिक गए हैं कि नहीं बिक गए हैं। सो या लेट्स टेक अ लुक। ये एड ना बड़े दिमाग खराब करते हैं। इसको तो मैं जानता हूँ अंकल जी। इतना बड़ा मुंह तेरा, मैंने इतना बड़ा कान लेके तुम घूम रहे, छोटा सा अरे बच्चा ये। 5,000 रुपया देता भाई जान, 5,000 दिरहम। ये वीडियो भी देखी है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर। अरे अंकल जी प्लीज। हाय हाय अच्छा मुंह में तो नहीं उसके। ये तो है बारिश आती है जब बहुत दिन में गर्मी में नाचने को मन करता है। कोर्स कैसे मिस कर सकते हैं गवर्नमेंट वाली आंटी को। न्यू कॉम्पिलेशन कैसे हो सकती है बिना डबस्टेप के। अरे माँ चुदा पढ़ने का चीज है, ऋषि कपूर की कव्वाली में एक आदमी नहीं आया था वो लग रहा है। आधे से ज्यादा मीम्स ना रिपोर्टर ही बनाते हैं एक्चुअली। फैक्ट है ये। क्रिकेट खेलते हुए लगी है कभी। सही में फट जाती है। अरे बहुत मजा आ रही है यार, बहुत मजा आ रही है। ये क्या क्या हो गया, हाइपर की हो रही आंटी। पाकिस्तानी विराट कोहली। फ्लाई गर्ल्स फ्लाई। तेरी तो पुरानी वीडियोस लग रही हैं आदि। तो उनमें लेटेस्ट कॉम्पिलेशन कहाँ है। अच्छा अरे हाँ ये तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रोल प्ले किया था इसका। सेम रिपोर्टर बजरंग की भाईजान। पता है सच बात बताओ 15 मिनट की वीडियोस तो सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कॉम्पिलेशन बन सकती है मीम्स की। टू बी ऑनेस्ट कोई नहीं यार, दिल रोने की क्या बात है। चैंपियंस ट्रॉफी तो जीत गए ना तुम लोग, खुश रहो अगले 20-25 साल तक, क्योंकि वही दैट वॉज प्रॉब्ली द लास्ट वन फॉर अ वाइल। ऑल राइट
that was Pakistani dank memes compilation. Honestly, वही देसी कंपाइलेशन चाहे यहाँ कर लो चाहे बॉर्डर के उस तरफ कर लो एक ही चीज़ है. बट आधी मीम्स तो मैंने पहले से देखी हुई थी बट इट इज़ काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग एंड फन टू वॉच देम अगेन. और यार और कोई मीम्स हैं तो उसके लिंक्स प्लीज़ डाल दो कमेंट सेक्शन में. काफ़ी काफ़ी सारी हैं बट इफ़ यू नो समवन सम ऑफ देम जो मैंने नहीं देखी कभी तो प्लीज़ लिंक्स कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डाल दो. और उसके अलावा भी अगर कोई चीज़ पे अगर मेरे को रिएक्ट करने के लिए आप चाहते मैं करूँ तो वो भी कमेंट में रेकमेंड कर सकते हैं. एनीवे थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी एंड प्रॉबेबली विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून. बाय बाय.